प्रगुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय सर्वज्ञ स्वामी विश्वेश्वर जी की असीम कृपा से हम जो साधना शिविर मना रहे हैं, इस दिन का महत्व बहुत कम लोगों को पता है कि आज का दिन क्या है और इसकी विशेषता क्या है। गुरु जी स्वयं कालज्ञानी थे और उनको काल के ऊपर पकड़ थी, काल को जानते थे, पहचानते थे। उन्होंने गुरु जी की विशिष्ट दुर्लभ और साधनाएं इस पुस्तक में आज के दिन का बहुत ही महत्व बताया था। महत्व इसलिए कि जब महाविष्णु आषाढ़ी एकादशी को शयन करते हैं और कार्तिक एकादशी को चातुर्मास के बाद वे जागृत हो जाते हैं, तो तब इस पृथ्वी पर के भक्त लोगों को, श्रद्धावान लोगों को जो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, उनका देखभाल करने, क्योंकि विष्णु सोए हुए हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सभी देवताएं अपना अपना कार्य लेकर पृथ्वी पर आते हैं। हमने देखा है कि जैसी आषाढ़ी एकादशी हो गई, उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आरंभ हुई। गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कहलाई जाती है, जिन्होंने ग्रंथ और ज्ञान लिखे गुरु पूर्णिमा से आरंभ आषाढ़ी एकादशी के बाद। हम श्रावण मास में आते हैं, शिव जी की पूजा, चातुर्मास में शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी अपना धर्म निभाते हैं। उसके बाद भाद्रपद मास आता है तो गणेश चतुर्थी आती है। भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी और हमारे पास महालक्ष्मी की पूजाएं आदि होने के बाद पितृपक्ष आता है। पितृ देवता भूमि पर आते हैं और आप सभी की रक्षा के लिए अपना मार्ग बताते हैं। पितृपक्ष के बाद आता है अश्विन नवरात्रि, जो हम कल दुर्गा नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, और दुर्गा नवरात्रि के बाद आती है दीपावली, जो महालक्ष्मी की पूजा का श्रेष्ठ, पूजा की श्रेष्ठता कही जाती है। अश्विन नवरात्रि के बाद कार्तिक मास आता है और कार्तिक मास में सारे देवताएं अपना अपना कार्य कर विष्णु भगवान के उठने के, यानी देवशयनी एकादशी के बाद कार्तिक एकादशी को विष्णु भगवान जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। इसके लिए फिर विष्णु भगवान की शरण में जाने के लिए कार्तिक मास में आरंभ होकर दीप पूजन करते हुए यहाँ से सभी देवता वहाँ जाते हैं। तो उसमें जो लोक कल्याणार्थ सारे देवताएं आए, देवता अपना अपना कार्य करें, पितृपक्ष का कार्य हो गया, नवदुर्गा का कार्य हो गया, नवदुर्गाओं ने आकर अपने को, हमने अपनी पूजा स्वीकार की और हमें आशीर्वाद दिया। तो एक दिन आज ऐसा भी दिन है जिसमें आज के दिन ब्रह्मांड में जितना भी गुरुमंडल है वो पृथ्वी पर आकर कहता है कि जो गुरु के प्रति श्रद्धावान हैं, श्रद्धा रखते हैं, हम गुरुमंडल उनको दीक्षा देकर उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। और आज गुरुमंडल की उस पूजा को एक गुरुसिद्धि दिवस कहा गया है, जो आज के दिन एक विशेष मंत्र जो ब्रह्मांड में गुंजा और परम पूज्य गुरुदेव जी ने उसको पहली बार, मैंने मेरे इससे पहली बार गुरु जी ने इस दिन की श्रेष्ठता बतलाते हुए विशेष दुर्लभ सिद्धिया में कहा गया है कि जो आज के दिन अपने गुरु सान्निध्य में बैठ कर उस मंत्र का जप करता है, वो गुरु कृपा प्राप्त करते हुए सारे देवताओं को बाध्य करता है कि उससे बात करें। ऐसा दिन आज गुरु सिद्धि दिवस कहलाया जाता है। और इस गुरु सिद्धि दिवस के लिए यहाँ के ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि जितने भी हैं, इस दिन के लिए इंतजार करते रहते हैं। प्रथम बार जब युग का आरंभ था, जैसे दत्तात्रेय भगवान को भी आदिगुरु नाम के नाम से जाना जाता है, आदिगुरु कहते हैं दत्तात्रेय भगवान। परशुराम जी जब पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का, जो घमंडी थे, अहंकारी थे, उन सभी का नाश करने के बाद वे बेचैनी से घूम रहे थे। इसलिए बेचैन थे कि थोड़े लोग अकारण भी मारे गए और थोड़े लोग कारण होकर भी मारे गए। उन्हें लगता था कि मैंने उनको मारकर पाप किया है। और परशुराम जी पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो वे संवर्त नाम के एक ऋषि के पास गए, जो गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए थे, उनके पास गए और कहा कि मैं बहुत अशांति युक्त हूँ,
मैंने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा, पृथ्वी पर 7 बार क्षत्रियों को नहीं है, मेरे क्रोध के कारण उनको मैंने मार दिया और मैं इसके कारण अशांत अनुभव कर रहा हूँ, मुझे शांति कहाँ मिले, कब मिलेगी। तब समर्थ महा ने कहते, तुम्हारे शांति का विधान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आदिगुरु दत्तात्रेय जी गंधमादन पर्वत पर विराजमान हैं, अगर तुम इनकी शरण में जाओ तो तुम्हें शांति मिल सकती है, तुम प्रयत्न करो। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान दत्तात्रेय गुरु है, आदि गुरु है, वो शिष्य को बिना परखे कभी अपने पास आने नहीं देते, उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं कि वो कहाँ तक मुझे पहचानता है। परशुराम जी उस पर्वत पर गए तो सब लोग बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कहाँ आए हो, तो बोले भगवान दत्तात्रेय जी से मिलने आए। अरे क्या तुम भी क्या मूर्ख आदमी हो, वो दत्तात्रेय पिशाचवत रहता है, कपड़े नहीं डालता है, लंगोट में घूमता है, दारू पीता है, लड़कियों के साथ रहता है, तुम उसके पास जाकर क्या संभालोगे। उन सभी की बात सुनकर भगवान परशुराम के दिल में एकदम खोट एकदम ऐसा हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, संवर्त जैसे महामुनि अगर ये बात कहते हैं कि तुम जाकर भगवान दत्तात्रेय से मिले और ये कहते हैं ऐसे, तो उन्हें कहा कुछ भी हो, एक बार मैं दत्तात्रेय भगवान से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उनकी गुफा में गए, दत्तात्रेय के अगल बगल में वेश्याएँ थी दो और वे दारू पी रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा। परशुराम जी उनके पास गए और उनके चरणों में बैठकर आंखों से आंसू टपकने लगे और कहा प्रभु क्यों माया में डाल दे, सच्चाई क्या है ये तो बता दो, कि आपने ये जो वेश धारण किया ये तो आप नहीं हैं, ये हम जानते हैं। तब दत्तात्रेय जी अपने बगल में खड़े हुए उन अष्टमहासिद्धियों को कहते हैं कि आप लोग चले जाओ, और जो अमृत था उसको रखते हुए कहते हैं कि परशुराम यहाँ बहुत से लोग आए और मुझे ये समझ कर चलेगा कि मैं पिशाच हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, मैं वेश्याओं के साथ रहता हूँ, दम तुम एक आदमी इतना होने पर भी मेरे शरण में आए हो और मुझे पहचान लिया, आज मैं तुम किस कारण से आए हो उस कारण का जरूर मैं उसका निवारण करूँगा। वो दिन था और आज का वही दिन है जो हम दुर्गा नवरात्रि के बाद त्रयोदशी आती है, उसे गुरु सिद्धि दिवस कहा जाता है। और दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को दीक्षा दी और कहा कि आज मैं तुम्हें एक विशिष्ट मंत्र बोलता हूँ जिससे पूरा गुरुमंडल, कितने भी गुरु आज तक हुए वो सब लोग पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं, और उस मंत्र को करने से वो सारा गुरुमंडल तुम्हारे सारे पापों का नाश करते हुए उन देवताओं का दर्शन तुम्हें प्रदान करते हैं। मैं उस गुरुमंडल के आह्वान का मंत्र आज तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुमने कितने ही पाप किए होंगे, तुम्हारे जीवन में पाप करने के लिए अगर देवताओं को गाली दी होगी, गुरुओं को कुछ भी कहा होगा और ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ होगा, लेकिन गुरुमंडल वो गुरुमंडल है जो सप्तऋषि मंडल से बाहर आता है और पृथ्वी पर घूमने लगता है, और आज के दिन जो वो उस विशिष्ट मंत्र की साधना करते हैं उन्हें निश्चित रूप से उस पापों से मुक्ति दिलाकर शांति प्रदान करता है, ऐसा दिन आज गुरु सिद्धि दिवस कहा गया है। आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन जो मनुष्य उस विशिष्ट मंत्र की आराधना करता है, कहते हैं कि वो इस संसार के किए हुए दोषों का निवारण करते हुए सारे देवताओं को बाध्य करता है। बाध्य करने का मतलब होता है देवताओं को कहता है कि आज जिसने ये मंत्र किया है, अगर देवता को बुलाता है तुम्हें दर्शन देना ही है, देना ही होगा, उसकी इच्छा पूर्ण करनी होगी। उस मंडल को गुरुमंडल आज पूरे पृथ्वी पर विचरण करते हुए रहता है, और जो शिष्य आज इस विशिष्ट मंत्र की साधना करता है उसको उस गुरुमंडल की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने, आप अगर पढ़े हैं तो विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियाँ में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा है। ऐसा ही हुआ था आजकल के कलयुग में, पश्चिम बंगाल में आपको तो पता है दुर्गा नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, और श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली भक्त थे, उन्होंने भी नवरात्रि बहुत श्रेष्ठता के साथ मनाई, बहुत श्रेष्ठता के साथ यानी रोज भजन होता था, और भजन में स्वयं नरेंद्र यानी जो बाद में चलकर विवेकानंद कहलाए वो रोज़ भजन गाते थे, रोज़ भजन गाते थे, और भजन से पूर्ण नवरात्रि पूर्ण हो गई, द्वादशी हो गई, एकादशी हो गई, विजयदशमी हो गई, और इस आज त्रयोदशी के दिन विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास आए और बहुत ही आंखों में आंसू आकर बहुत रोने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या हुआ, तो ऐसा क्यों रो रहा है, प्रभु नवरात्रि में भजन गाए सब गाए लेकिन मेरे कष्ट ही दूर नहीं होते, कितना करो मैं कष्ट में ही रहता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मुझे नौकरी नहीं, ये सारे दुखों में मैं दुखों से व्यस्त हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें से बार बार भजन गाया, तुम्हारी भक्ति किया,
तुमने जो कहा वो सब किया लेकिन मुझे शांति नहीं, मेरी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस थोड़ी देर के लिए सोच पे पड़ गए। अरे रामकृष्ण, अरे विवेकानंद, मैं तुझे बात कहता हूँ, मेरी इच्छाएं पूर्ण करने वाली माँ वहाँ बैठी है, जिसके पास मैं ही रोज़ याचना करता हूँ, रोज़ मांगता हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करता कि आज जाकर माँ से तुझे जो चाहिए वो मांग ले, माँ तुझे प्रदान करेगी, जा तू जा। विवेकानंद ने कहा, माँ मुझसे क्यों बात करेगी प्रभु, वो तो आपसे बात करती है, मेरे से कैसे बात करेगी। तब रामकृष्ण परमहंस ने आज मैंने जो मंत्र कहा उस मंत्र को विवेकानंद को देकर कहा कि तू इस मंत्र का जाप कर और जा अंदर। काली मंदिर में अकेली काली थी, विवेकानंद अंदर गए और कहा, उन्होंने तो उनको जो मांगना था कि माता की तबीयत ठीक हो जाए, बहन की शादी हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए और सारी ये पूछने के लिए वो अंदर गए। जैसा ही अंदर गए उन्होंने पहला प्रश्न कहा कि मेरी माता का आरोग्य ठीक हो जाए, जो कैंसर से पीड़ित है। ऐसा उन्होंने कहने के लिए जैसा ही आगे बढ़े, आज कैंसर से अगर ठीक भी हो गई और दूसरे दिन ही मर गई तो उनको एक संशय उत्पन्न हुआ। तो ऐसा पूछे कि माता कैंसर से भी ठीक हो जाए और मरे भी नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, माता मरेगी नहीं और कैसे, लेकिन मेरी नौकरी नहीं है तो मैं मेरे माता को कैसे पालूंगा, मुझे नौकरी भी चाहिए। तो उसने कहा, माता मरे भी नहीं, माता को कैंसर ठीक हो जाए और मुझे नौकरी भी मिले, लेकिन नौकरी मिलने से क्या होगा, बहन तो शादी की है, बहन की शादी होनी चाहिए, बहन की शादी अगर कर दूँ, बहन की शादी के लिए पूछ दूँ और बहन का जो दामाद आने वाला है उनका, अगर वो मर रहा है तो, बहन मर रहा है तो, और बहन भी नहीं मरना चाहिए दामाद भी, इस प्रश्नों की गुंथ में उतने लगे कि वो इस तरह ढूंढ गए कि एक के बाद एक प्रश्न आ रहा था, प्रश्न आते आते वो माता को क्या पूछना ये कुछ भूल गए। और धर मेरी की क्या पूछूँ, मर गए तो सब लोग चले गए तो उसके बाद वो मरे, वो ना मरे, ये ना मरे, वो ऐसा ना हो, उसको रोक ना आए, बहन के दिन रोग हो गया, बहन को रोग गया या मुझे रोग गया, मुझे रोग नहीं आना, ये सारी पूछते पूछते वो बाहर आए। रामकृष्ण प्रश्न क्या हुआ, पूछा माता से क्या खाक पूछता, हर प्रश्न में प्रश्न का प्रश्न उत्तर ही नहीं मिल रहा है, पूछता हूँ कि मेरे माता को अच्छा कर दो, माता का अच्छी हो जाए और कल ही मर गई तो, बहन की शादी की और बहन ही मर गई तो, मैं अच्छा नौकरी लगी वहीं मर गई तो, इस तरह के प्रश्न के प्रश्न का उत्तर उलझा नहीं, मैं पूछा नहीं, दीवाने तो जो चाहता है अच्छा जा पूछ ले जा। फिर गए, फिर वही प्रश्न आए, फिर वापस आ गए, ऐसा 4-5 बार हो गया, बाहर आ गए और कहा, प्रभु मेरे से माता से पूछना नहीं होता, मैं तो तुम्हारी चरण पकड़ लेता हूँ, मैं आप मेरे गुरु है, आप ही ठीक करो। अरे मूर्ख, ये पहले ही बात कह देता तो अच्छा था ना, जब तक अनुभव नहीं आता तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तू अपने गुरु चरणों में आया है, एक बार गुरु को अपने आप को सौंप दे, बाद में देख चमत्कार क्या होता है, तुझे पूछने ही नहीं आता तो कुछ भी पूछ ले, आज अगर पूछ ले एक मिनट के लिए तो भी पूछ ले, गुरु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे वो सिद्धि चाहिए, ये सिद्धि चाहिए, सिद्धि तो मिल जाएगी, दूसरे दिन मर गया तो सिद्धि किस काम की, सिद्धि भी मिल गई, सब मिल गए, कल के दिन सब पूछ रहा, हम जिसके लिए सिद्धि पूछ रहे हैं वही लोग चले गए तो किस काम की, तब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए कि गुरु शरण में जाना चाहिए और गुरु को पूछना चाहिए, मैं आपका बन के रहूं जब तक जिंदा रहूं, आपका बन के रहूं और मुझे जो भी संकट आए उसको आप देख लेना, जब तक जिंदा रहूं मैं आपके साथ रहूं और आपकी शरण में रहूं, बस इतने अलग, बाकी सब आप संभाल लेंगे, मुझे उसका विश्वास है। बोले ये बात पहले ही बोलता तो काम होता था, देवता के पास जाकर ये बात करता है, तो ये इस बात का ध्यान देने के लिए मुझे करना पड़ा। और विवेकानंद ने उस दिन से रामकृष्ण परमहंस के शरण में चले गए। और जैसा ही रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों भी माता काली के पास गए तो माता काली मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोली, क्या हुआ विवेकानंद? बोले माँ, अज्ञानी था, नहीं मालूम, ये महाशय यहाँ बैठे हुए मुझे अज्ञानी को आपके पास भेजे, क्या पूछूँ इसका भी ज्ञान नहीं था, आप माँ मुझे तो आप भी नहीं चाहिए, ये चाहिए बस, ये तो आपको बुला लेंगे, कैसा है मुझे इसकी गारंटी, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ, मैं इनके शरण में, एक आशीर्वाद अगर आपसे कुछ हो सकता है तो ये दो कि इनके चरणों को मैं जीवन भर नहीं छोड़ूं, मेरे अंतिम क्षण तक भी ये मैं इनके साथ रहूँ, ऐसा आशीर्वाद दो और इनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। रामकृष्ण परमहंस भी मुस्कुराए और माता काली भी मुस्कुराई। इसका अर्थ है कि आज के दिन रामकृष्ण परमहंस ने, आप अगर विशेष दुर्लभ सिद्धियाँ पढ़े हैं तो उसमें गुरु जी ने लिखा है कि आज के दिन जो भी अपने इस वक्तव्य को अपने गुरु के सामने रखते हैं, गुरु ने भी उसमें कहा है, आज जो इस मंत्र को
करने के बाद अपने गुरु जी के पास जाकर ये कहता है कि गुरु जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये वरदान दो कि जीवन भर मैं आपको ना भूलूँ और मेरे सारे अच्छी बुराई सब आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, अब आप देख लेना है, लेकिन जीवन भर तक मैं आपको छोड़ के ना रहूँ, इसका आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। और गुरु ने कहा है हे वत्स टूट जा, मैं तेरा हूँ, आज से आज नहीं 7 जन्मों तक भी मैं तेरा साथ दूंगा। ऐसा गुरु है, गुरुमंडल उसको आशीर्वाद देता है, वो कभी गुरु को छोड़कर नहीं, वह गुरु को छोड़कर नहीं रहता। यह आज का वह दिन है, इसे इसको गुरु सिद्धि दिवस कहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज किस गुरु सिद्धि दिवस के, मैं कल गत 22 या 30 वर्षों से गुरु सिद्धि दिवस मनाता हूँ, चाहे आश्रम में रहूँ या कहीं भी रहूँ, और मैं क्या हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के दिन अपने गुरुचरण में, गुरुचरण में जाकर आपके आज गुरु मिले या वचन में मिले, कितने भी गुरु आपके हुए होंगे, कुछ आज आज को सारा गुरुमंडल पृथ्वी पर घूमने के लिए इसलिए आता है कि कौन गुरु को याद कर रहा है। सिर्फ आज का गुरु नाम का नाम भी उच्चारण करके गुरु शरण में जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है, ऐसे ही दिवस को गुरु सिद्धि दिवस कहा गया है। आपको पता है कि प्रहलाद भी जब लक्ष्मी नरसिंह स्वामी को स्तंभ से प्रकटित होते हुए देखे और उनके पिता का देहांत हुआ, उनका पिता को लक्ष्मण स्वामी ने मार दिया, तो वे बहुत चिंतित हो गए कि मेरे बाप कितनी देर भी मैं समझा रहा था समझ नहीं रहे थे, और मेरे ही कारण आज भगवान विष्णु ने उनका संहार कर दिया, लेकिन कोई बेटा ऐसा ना हो जो अपने पिता को ही मारे, ये कितना पाप है। वो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आए और वे रोने लगे, तो सभी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, और दुष्ट था हिरण्यकश्यप वो मर गया, वो तुम्हारे लिए दुष्ट था या मेरे लिए भी दुष्ट था, लेकिन मेरा बाप था, मेरा बाप था और उसके बाप का मरने का कारण मैं बना, मुझे इसकी चिंता इसका दुख मुझे सताता रहेगा। तब महर्षि नारद आए और उन्होंने प्रहलाद को आज के ही दिन वह दीक्षा दिया और कहा कि हमारे कोई भी हो जिनके साथ 10 लोग 100 लोग कष्ट पहुँच, जिनके जिनकी ओर से कष्ट पहुँचता है, वैसे लोगों का अंत होना ही ठीक है और आपने अंत किया। हाँ, अब तेरे पिता को सदगति मिले इसके लिए मैं तुझे कहता हूँ, मैं जो मंत्र देता हूँ दे ले, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन में गुरु नहीं किया था, हिरण्यकश्यप हो रावण हो ये सभी डायरेक्ट शिव के पास गए तपस्या करे और उनको जबरदस्ती हठयोग करते हुए उनको प्रसन्न किया इन्होंने, हठयोग के कारण इनको गुरु नहीं थे। और जिनको गुरु होता है वो कभी पापी नहीं कहलाता, आज संसार में तुम देख लो जिनको गुरु नहीं है वही राक्षस कहलाए, और राक्षस डायरेक्ट देवताओं के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, पुस्तकों को देखकर साधना करना शुरू करते हैं, लेकिन गुरु बिना गति नास्ति, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। तुम कुछ देवता को पूजो या ना पूजो, अगर तुम्हारे जीवन में गुरु है तो तुम्हें किसी भी तरह उस मार्ग पर नहीं जाने देंगे जो दूसरों को कष्ट पहुँचाने का मार्ग है। तो इसके लिए गुरु का रहना या गुरु की पूजा करना या गुरु के साथ साधना करना या अपने जीवन का एक विशिष्ट दिवस है। आज के दिवस के दिन गुरुमंडल की और गुरु का आह्वान करते हुए अगर हम हमारे जीवन में गुरु से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है दशमह विद्याओं की साधना हो या दशम और किसी कोई भी देवता की साधना हो, आज के दिन हम अगर गुरुचरणों में बैठकर गुरु को ये कहते हैं कि आप हम पर हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हम पर प्रसन्न रहो और हम जब भी चाहे आप जो भी कहें उसकी आज्ञा का पालन कर सकें और हम उन देवताओं को प्रसन्न कर सकें जो शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान है, अगर हम आज के दिन ये कर सकें तो हम श्रेष्ठ हैं। परशुराम जैसे देवता भी दत्तात्रेय के शरण में जाकर आज के दिन ने उन्होंने शांति अनुभव की, प्रहलाद जैसे विशिष्ट व्यक्तित्व ने भी आज गुरु की शरण में जाकर अपने पिता के मरण के कारण शांति अनुभव की, वैसे ही एक अलर्क नाम के दत्तात्रेय के उनके भक्त हुए, उनको भी आज के दिन उन्होंने गुरु सिद्धि दिवस के दिन ही अपनी श्रेष्ठता प्रदान करते हुए शांति प्रदान की थी। आज वह गुरु सिद्धि दिवस जिसके दिन जिसके कारण हम दशमा विद्याएं नहीं गुरुमंडल की कृपा प्राप्त करते हुए जिन्होंने भी दशमा विद्याएं और देवताओं को सिद्ध किया है वो सारा गुरुमंडल पृथ्वी पर घूमते रहता है। और जो मैं आज का मंत्र आपको बोल रहा हूँ, जो आज का मंत्र या प्राण गुरु प्राणश्चेतना मंत्र उसका अर्थ होता है, गुरु प्राणश्चेतना मंत्र उसको आज 11 बार पाठ करता है तो सारा गुरुमंडल चेतनायुक्त होते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करता है कि आपके जीवन में आप हर वर्ष इस गुरु सिद्धि दिवस को मनाओ और जो भी वर्ष भर में साधना संपन्न करेंगे उसके पीछे तुम्हारा गुरु का आशीर्वाद दिया रहेगा। और तुम गलती भी करते हो तो उस गलती का प्रायश्चित या गलती का कोई भी
पाप पुण्य फल को सारा गुरु अपने पार ऊपर वहन करते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा ही गुरु सिद्धि दिवस कहा गया। हमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा है कि गुरु जी हमने बहुत सारी साधनाएँ की, हमें यश नहीं मिला, हमें सफलता नहीं मिली। आपने कभी गुरु को पहचाना ही नहीं, आपने कभी गुरु को देखा ही नहीं, आपने कभी गुरु को मानकर चले ही नहीं। आप जब गुरु को मानकर चलते हो तो देखो आपके जीवन में क्या होता है। आपको गुरु को मानने का विधान आना चाहिए। हम आम के सीजन में अगर हम सीताफल चाहते हैं तो मिलना मुश्किल है। आजकल तो मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये कलयुग है। आज अच्छा गुरु भी मिलेगा, बुरा गुरु भी मिलेगा, गुरु मिलेगा जरूर, अच्छा हो कि बुरा हो। सीजन है, बड़े बड़े गुरु कैसे भी चले आ रहे हैं, गली गलियों में गुरु मिलेंगे आपको और ग्राम ग्राम में गुरु मिल जाएंगे। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, शिष्यों की कमी है, बस गुरुओं की कमी नहीं है। उसी तरह आज कौन से भी सीजन में तुम सीताफल मांगो मिल जाएगा, आज कौन से भी सीजन में आम मांगो मिल जाएगा, आज कौन से भी गली में जाकर गुरु को मांगो गुरु मिल जाएगा। लेकिन वह गुरु नहीं मिलेगा जो सिद्ध गुरु है, जिसको सिद्धियाँ प्राप्त है, जो तपस्या युक्त है, जो जिसने तपस्या की है। और वैसे तपस्या युक्त गुरु की शरण में अगर आप जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपका वह फल, वह सिद्धि, वह साधना आपको जरूर मिलेगी। आप खा के भी देखो, आज के बारिश के सीजन में आकर आम खा के देखो, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। और आम के सीजन में सीताफल खा के देखो, कोई टेस्ट नहीं रहता। वैसा ही रुचि का नाम होता है, यानी सिद्धि का फल होता है, सिद्धि का। जिस दिन हम मानते हैं उस दिन अगर गुरु की साधना करते हैं तो हम गुरु को निश्चित रूप से अपने शरीर में आह्वान करते हुए अपना शरीर गुरु को अपने शरीर में स्थापन करते हैं। और इस कारण ही हमने देखा है कि जो इस संसार में स्वयं अच्छे गुरु की शरण में जाता है, यानी अच्छे गुरु की मतलब सिद्ध गुरु की शरण में जाता है, उसका देवता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देवता भी बाध्य होते हैं कि वो जो पूछता है उसको देना ही है तो देना ही है। आज गुरु शरण में जाने का वह श्रेष्ठ दिन है। आपने देखा है सत्य हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य होने के कारण जब ये बात पता चली कि वशिष्ठ के शिष्य सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत लिया है, सत्य व्रत लिया है, और विश्वामित्र का और वशिष्ठ का कभी भी दोनों में 11 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था, और विश्वामित्र चाहते थे कि मैं बता दूं कि हे वशिष्ठ तेरे शिष्य मेरे सामने हार जाएगा। और हरिश्चंद्र वशिष्ठ के शिष्य होने के कारण विश्वामित्र जब आए और उनकी परीक्षा लेने के, मैं बहुत कहने की ज़रूरत नहीं, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी की कैसी परीक्षा ली। अगर वैसी परीक्षा आजकल के ज़माने में लेते तो हम कभी के भाग जाते थे। उनका घर बेचना पड़ा, राज्य देना पड़ा, पुत्र मर गया, पत्नी को बेचना पड़ा, और वे स्वयं राजा होकर भी स्मशान में जाकर खड़े रहे। लेकिन उन्होंने सत्य व्रत को नहीं छोड़ा, अपने गुरु वचन को नहीं छोड़ा। आज वे प्रसिद्ध है सत्य व्रत के कारण। ऐसे शिष्यों का निर्माण एक अच्छा गुरु ही कर सकता है, और अच्छा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य की रक्षा करता है, आज फ्री तक रक्षा करे। और जिस दिन आपको पता नहीं, जब वशिष्ठ अपनी तपस्या से लौटे, उनको पता चला कि मेरे हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने परीक्षा लेकर बहुत सताया है, तो वशिष्ठ उनके साथ युद्ध करने के लिए आए। उसी तरह मैं कहता हूँ, आज के नकली गुरु कितने भी हो, असली गुरु हो, तुम्हें अगर अच्छा गुरु मिलता है तो तुम्हारी कोई गलती का किसी भी कोई भी तांत्रिक तुम्हारे कोई प्रयोग करता है तो तुम्हारा अगर गुरु सिद्ध है तो उसके साथ तुम्हारे लिए लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? उसे ही गुरु कहा गया। तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा, कोई तंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम तुम्हारे गुरु पर निष्ठा रखते हो। तुम्हारे गुरु पर निष्ठा रखने वाले शिष्य को किसी तांत्रिक का मजाल नहीं है, किसी और एक ऐसे गुरु का मजाल नहीं कि तुम्हारे पर कोई प्रयोग कर सके, तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम कर सके, क्योंकि तुम्हारे को काम इतना ही करना होता है कि तुम तुम्हारे गुरु पर विश्वास करते हुए चले। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आज गुरु सिद्धि दिवस के जिन गुरु प्राण चेतना मंत्र करते हुए गुरु की शरण में जाना है, और इस गुरु की शरण में जाने की विश्व विद्या को आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन प्रदान करना। ये मैं यहाँ आया हूँ, मैं हर साल करता हूँ ये सिद्धि दिवस को। आज पहली बार मैंने नागपुर में कोकाटे जी के पुत्र और कोकाटे जी के ध्यान के उपलक्ष्य में कोकाटे जी को याद करने के लिए यह साधना शिविर उनको दिया है। वो जहाँ कहीं भी हो उनके ऊपर गुरु कृपा है, वो कभी नरक नहीं अनुभव करेंगे, वो स्वर्ग को ही अनुभव करेंगे जिन्होंने ये कार्य किया है। और उनके पुत्र को भी यह श्रेष्ठता, उनकी पत्नी पुत्रों को यह श्रेष्ठता दी है, उन्होंने कुछ भी होने पर भी अपने गुरु को नहीं छोड़ा, ये प्रत्येकता है। और उनके ऊपर गुरु कृपा थी, उनके परिवार के ऊपर भी गुरु कृपा है, और उनको हर समय गुरु की कृपा उनके साथ रहेगी और रहते रहेगी। इस प्रकार इस गुरु सिद्धि दिवस को आज उनको देने के बाद मैं आपको कहता हूँ, आज
गुरु सिद्धि दिवस का थोड़ा समय आपको तो देना होगा तपश्चर्या के लिए, या एक घंटे के लिए आपको गुरु स्मरण करना होगा, गुरु के उस मंत्र को 21 बार जप करना होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ वर्ष भर के लिए तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो तुम पहले संकट का सामना करने के लिए तुम नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा होगा। आज जो ये मंत्र करते हैं, तुम्हारी साधनाओं में या तुम्हारी सिद्धियों में कोई अड़चन निर्माण हो तो आज इस मंत्र के करने से गुरुमंडल स्वयं तुम्हारे पास आकर खड़े रहता है, और यह श्रेष्ठता है कि खड़े रहना ही चाहिए। इस खड़े रहने की क्रिया को आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन हम उस साधना को संपन्न करेंगे जो साधना श्रेष्ठ आदि श्रेष्ठ कही गई है। मैं पहले आप सभी को एक बात कहता हूँ कि यह साधना मैं भी हर गुरु सिद्धि दिवस को करता हूँ, और 21 माला करने के लिए कम से कम एक घंटा समय तो लगता है, और जो अपने गुरु कृपा को प्राप्त करते एक वर्ष में, आने वाले वर्ष में आप कोई भी साधना संपन्न करो, गुरुमंडल का हर गुरु यानी हर दशमा विद्याओं के साथ, दशमा विद्या को भी, दशमा विद्या के मंत्रों को लाने वाले उनके अष्टुप छंद गुरु शक्ति ऋषि हर एक है, और ऋषि रहे कारण हर मंत्र का सृष्टिकर्ता हर देवता है, चाहे दत्तात्रेय भगवान हों और चाहे सप्तर महर्षि हो या अक्षुभ्य ऋषि हो, कोई भी ऋषि हो, उन्होंने हर मंत्र की सृष्टि और हर मंत्र की देवता की सृष्टि की है। आज उस गुरुमंडल के सारे देवताएं पृथ्वी पर विराजमान होकर साधना करने वालों को देखते हैं, और आज के दिन आप जो भी गुरु को मांगते हैं वो गुरु निश्चित रूप से आपकी उस साधना को संपन्न करने के लिए वर्ष भर के लिए आपके साथ रहने की इस क्रिया को करते हैं। इसलिए आज वह साधना जो गुरु सिद्धि दिवस की साधना कहलाई गई है आप सभी को प्रदान करता हूँ। मैं एक 15 मिनट का समय देता हूँ, आप उस गुरु सिद्धि मंत्र और माला एवं प्राणचेतना मंत्र को आपके पास ला लीजिए। मैं नहीं समझता यहाँ कोई तेलुगु के लोग हैं। अच्छा, ये रोज़ गुरु सिद्धि दिवस अनगा प्रपंचంలోని గురుమండలం అంతా కూడా పృథ్వీ మీద వచ్చి తన శిష్యులకు తాను కోరిన కోరికలను ఇస్తూ, మన జీవితంలో మనం ఏ సాధన చేస్తున్నప్పుడెల్లా ఏ ఆటంకాలున్నా తొలగించడానికి చేసే క్రియను గురు సిద్ధి దివస్ గా చెప్పిన ఈ మంత్రాన్ని ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇవ్వలేదు. ఎవరైతే ఈ గురు సిద్ధి దివస్ నాడు ఈ విశిష్టమైన మంత్రాన్ని చేస్తారో బ్రహ్మాండంలో ఉన్న గురువులంతా దిగి వచ్చి ఆ సాధనకు సాఫల్యాన్ని ఇస్తారు. కనుక ఈ గురుమండల సాధన యొక్క గురు సిద్ధి దివస్ నాడు ఆ గురు సిద్ధి సాధనని తీసుకుని చేస్తారు. నేను స్వయంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ సాధన చేస్తాను. కనుక మీరు మీ జీవితంలో మళ్ళా గురు సిద్ధి దివస వరకు గురుకృప ప్రాప్తం కావాలన్నా, దశమా విద్య మన సాధన చేయాలనుకున్నా, ఈ గురు సిద్ధి దివస ఆ గురువు యొక్క విశిష్ట మంత్రాన్ని మీరు జపం చేస్తూ ఆ యంత్రాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే మీరు సాధనను పూర్తి చేయవచ్చు. అలాంటి గురు సాధనను ఈరోజు మీకు ప్రదానం చేస్తున్నాను. మీరు వెళ్ళి మంత్రం మాల తీసుకొని వస్తే మీకు ఇక ముందర సాధన చెప్తాను. ఆకు సాధన బోల్తాం జో లోక్ యంత్ర మాలా లేకర్ ఆతే ఓ లోగో కో ఉస్ విశిష్ట సాధన కో ఆప్కే హస్తే కర్వాతా హూ.